सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज के वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, यहां पे एप्लीकेशन है, अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आप स्केचवेयर में वर्क करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि उसमें एक अपडेट आया है, उसमें बहुत ही खास इंपॉर्टेंट अपडेट आया। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले, अगर आप पता होगा आपको, कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, पब्लिश किया गया था प्ले कंसोल के द्वारा। गाइस उसमें पब्लिश किया गया था कि अगर आप यहाँ पे अगस्त से अगर कोई भी एप्लीकेशन पब्लिश करना चाहते हैं आप प्ले स्टोर पे, तो उसका जो है बंडल में होना चाहिए एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, एप्लीकेशन जो भी आपका एपीके फाइल है वो बंडल में अपलोड करना होगा या बंडल में आपको जो है अपडेट करना होगा। अगर आपके पास बंडल नहीं है तो आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एपीके साइनअप ने ये करके दिखाया कि आप एपीके बंडल को भी आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। ये पहले इंपोर्टेंट फीचर नहीं दिया गया था, तो इसमें अपडेट आया है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पे आपको अपडेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं प्ले स्टोर में आ गया हूँ और प्ले स्टोर में आपको सिंपल से सर्च करना है एपीके साइनर। देख सकते हैं ऑलरेडी मैं साइन यहाँ पे सर्च कर रखा हूँ, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले, यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 तारीख को हमने एक यहाँ पे रिव्यू दिया था। इसी में बोला था कि आप यहाँ पे जो है यहाँ पे एपीके बंडल को साइन इन करने का या ए बी का फाइल जो होता है उसे साइन इन करने का फीचर जो है आप एपीके साइनर में लाइए। तो उन्होंने रिप्लाई में, यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिप्लाई भी दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रिप्लाई में आया था कि ये जो है इसी मंथ में जो है यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा, ये फीचर लाया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं, आज यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा गाइस कि यहाँ पे 19 यहाँ पे जून आपको दिख रहा होगा 2021 यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट में आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे लिखा आ रहा है गाइस कि मैं आपको यहाँ पे अपडेट दिखाऊं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एडेड एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर साइन इन एंड्रॉयड ऐप बंडल फाइल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे जो है .aab करके ये वाली फाइल जो है यहाँ पे साइन इन करने का फीचर जो है अपडेट कर दिया है। तो आप इजीली जो है यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर का कन्फ्यूजन आ रहा था कि यहाँ पे जो है एपीके साइनर में क्या V2 जो होता है साइन इन करने का यहाँ पे वर्जन जो है वो साइन इन का फीचर है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V2 वर्जन जो है यहाँ पे आपको साइन इन करने का जो है फीचर यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट है गाइस इसमें। तो अगर आप प्ले स्टोर में कोई भी एप्लीकेशन पब्लिश करना चाहते हैं, अगर स्केचवेयर में आप एप्लीकेशन बनाते हैं, स्केचवेयर प्रो में बनाते हैं, तो आप इजिली जो है एंड्रॉयड 11 करके, मतलब कि API लेवल 30 करके यहाँ पे जो है आप प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं, साथ में बंडल में पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको उस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।